चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बनसैया गांव में संपत्ति के लालच में बुधवार रात सीआरपीएफ में सिपाही रहे राम सिपाही की पत्नी बादामी देवी की उनके भसुर ने ही गणासी से गला काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि भसुर और उसके भतीजों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या की खबर मिलते ही चौरी चौरा इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपित परिवार संग घर छोड़कर भाग गए थे। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपित गामा यादव को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बनसैया गांव के 70 वर्षीय राम सिपाही यादव सीआरपीएफ में सिपाही के पद से रिटायर हुए थे। उनको कोई औलाद नहीं है। वह पत्नी बादामी देवी के साथ अपने छोटे भाई राजपति के साथ रहते थे। मंगलवार को बीमारी से राम सिपाही यादव की मौत हो गई थी। वहीं बुधवार शाम क्रियाक्रम की औपचारिकता की जानी थी। घर पर दूध का भात लगा था, इसमें राम सिपाही के बड़े भाई गामा यादव का परिवार भी शामिल हुआ था। देर रात बादामी देवी देवर राजपति के साथ पत्तल लेकर घर से बाहर निकली। इस दौरान भसुर और उनके बेटों ने हमला कर दिया और गड़ासी से गला काटकर बादामी देवी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी क्राइम अशोक वर्मा, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा और थानेदार सूर्यभान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि हत्या की खबर पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, सुबह कैसे जा रहा है? अभी भी देखो ना, बाकी सब कार्रवाई कोई चीज उसमें छुपी तो है नहीं। हर चीज तो तुम्हारे सामने हुआ। अपने सुबह देने से क्या बात है? सर जी बड़ा लग रहा है। वो तो चला गया लाश के साथ। अपने क्या कारण ये है कि इनके पति की राम सिपाही की जो स्वाभाविक मौत हुई थी, उसके बाद जो उनकी उनकी जमीन जायदाद पे जो इन्हीं का वारिस होना था। ये महिला नाबालिग थी। इनके पति के भाई के लड़के विनोद यादव पुत्र गामा द्वारा इनकी जो हत्या कर दी गई, इसी कारण को लेकर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त अरेस्ट भी किया गया है। उसके पति की हत्या नहीं हुई, उसके पति की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। और इसी दौरान जो पैतृक संपत्ति का विवाद था, जो राम सिपाही यादव की संपत्ति थी उसका विवाद था, ये जो चीज़ें जो है रिवाइव हो गई, जिसके चलते जो ये घटना हुई। इसमें एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है वो अरेस्ट हुआ। ये गन्ना काटने का जो बांका होता है उससे जो है धारदार हथियार से हत्या की गई। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बाकी अभियुक्तों को भी तलाश की जा रही है।